नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेज लेआउट के अरेंज ऑप्शन के बारे में। इन सभी ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर। यहां से हमें सिलेक्ट करना होगा इलस्ट्रेशंस और यहां से हमें सिलेक्ट करना है शेप्स। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने शेप्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई भी शेप आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप शेप को ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे हमारे सामने एक और टूल बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। इस शेप फॉर्मेट के हम एक एक ऑप्शन को यूज करके देखते हैं कि इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंसर्ट शेप्स का। इंसर्ट शेप्स के अंदर जाकर के आप किसी भी तरीके का कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है एडिट शेप्स का। एडिट शेप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने शो होगा चेंज शेप का। अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के बिना ड्रॉ किए आप यहां से अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे हमने शेप को चेंज कर दिया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडिट पॉइंट्स का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने ब्लैक डॉट्स यहां पर शो हो जाएंगे। इन ब्लैक डॉट्स को क्लिक करके जिस तरीके से भी आप ड्रॉ करना चाहें उस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर एक व्हाइट पॉइंट दिखाई देगा। इस व्हाइट पॉइंट को लेकर के आप जैसे चाहें वैसे इस एंगल को रोटेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप अपने शेप को भी मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप से अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा रिरोट कनेक्टर। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, दो शेप्स को आपस में ऐड करना होगा। तो दोनों शेप्स को ऐड करने के लिए हमें जाना होगा शेप्स वाले टूल बार के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कनेक्टर एल्बो। कनेक्टर एल्बो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ डॉट्स अलग से रिप्रेजेंट हो चुके हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, जो भी डॉट्स हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन सभी डॉट में से किसी एक डॉट को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस शेप पर हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं वहां देखिए वहां पर भी वो डॉट्स शो हो जाएंगे। और उस डॉट पर जैसे हम इसे छोड़ देंगे तो होगा क्या, ये दोनों शेप्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। हम एक शेप को अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये शेप हमारी ज्वाइंट हो चुकी है और इस तरीके से आप किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से एंगल को सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन वो शो हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिरोट कनेक्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कनेक्टर था वो वापस से अपनी रोटेशन में कन्वर्ट हो गया। जिस भी एंगल पर आप इसे चेंज करना चाहें उस एंगल पर आप इसे रख करके रिरोट कर सकते हैं। जैसे हम इसे रिरोट करेंगे तो आप देखेंगे इसने अपना रूट बदल दिया। तो इस तरीके से आप रिरोट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक एरो आएगा और इस एरो को जैसे हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने शेप रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा शेप चेंज का। यहाँ से आप चाहें तो आप अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेप फिल, यानी आपका जो कलर फिल हुआ है उसके कलर को अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने कलर्स दिए गए हैं, जिस भी कलर में आप चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है आपका नो फिल है। नो फिल का मतलब है आपकी शेप में कोई भी कलर फिल नहीं होगा। इसके बाद है मोर फिल कलर्स। इस पर क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स के कलर को मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कलर को सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं, वो कलर आपकी शेप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा पिक्चर्स। अगर आप चाहें तो अपनी शेप के अंदर पिक्चर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने तीन ऑप्शन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन में से हम कोई भी ऑप्शन यूज करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, यानी यहाँ पर आपके सिस्टम में ही कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई फोटो पड़ी हुई है जिससे आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। या ऑनलाइन पिक्चर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। आपका इंटरनेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी पिक्चर लेना चाहें वो इजीली ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम आइकन्स। अगर आप चाहें तो आइकन्स का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ फ्रॉम अ फाइल से हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा, यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का। इस ऑनलाइन पिक्चर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इमेजेस आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसमें से कोई भी इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हाउस को सिलेक्ट किया और हाउस को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के हाउस यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसमें से आप कोई भी हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे हमारे सामने जो भी हमारी शेप थी उस शेप में वो पिक्चर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। तो फाइनली हमारी जो इमेज थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर्स का वो है फ्रॉम आइकन्स। अगर आप इसके अंदर आइकन्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई भी आइकन सेलेक्ट करके उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कैटेगरी दी गई है, आप किस तरीके का आइकन चाहते हैं। कोई आर्ट का आइकन चाहते हैं, कोई बॉडी पार्ट्स का आइकन चाहते हैं, कोई बग्स का आइकन चाहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स आपके सामने रिप्रेजेंट हैं।
इसमें से कोई भी आइकन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसे इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो आइकन था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ग्रेडियंट है। यहाँ से जाकर के आप कोई भी ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद टेक्सचर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसमें से कोई भी टेक्सचर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शेप के अंदर ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर्स, इन सभी का यूज कर सकते हैं या फिर कलर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके आउटलाइंस की। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप अपने इस शेप की आउटलाइन दे सकते हैं, रेड कलर या ग्रीन कलर, येलो कलर, जिस भी कलर में आप देना चाहें। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है मोर आउटलाइन कलर्स का। यहाँ पर भी आप चाहें तो उसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वहां से आप कलर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसकी हाइट और विथ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी विथ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी विथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। विथ को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डैशेज के ऑप्शन है। आप इसे चाहें तो इस तरीके के डैशेज का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एरोज का ऑप्शन है। अब ये एरो ऑप्शन कैसे यूज किया जाएगा, एरो के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एरोज यूज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से जाकर के शेप टूल से कोई भी एरो ले लेते हैं और एरो को जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और डिफरेंट टाइप्स के एरोज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो है टेक्स्ट टूल का। यहाँ पर आप वर्ड आर्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट लिखा था और उसके वर्ड स्टाइल को मुझे यहाँ से चेंज करना है, तो जिस भी टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, जिस भी स्टाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, वो उसी स्टाइल में हमारा ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट फिल का। टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ से आप चाहें तो उसके टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के बाद आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करने के बाद डिफरेंट टाइप्स के हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हम इसमें कोई भी शेडो या डिफरेंट टाइप्स के ग्लोइंग इफेक्ट या बेवल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो शेप था वो 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर अपनी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ दिस इज अ शेप और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब जब भी आपको इसके ऊपर कमेंट पढ़ना होगा तो आप सीधे ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका कमेंट यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अब आता है हमारा अरेंज का ऑप्शन, जिसको हम एक एक करके यूज करेंगे। तो इसका यूज किस तरीके से होता है, तो इसके लिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के दो शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से हम कोई ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर हमने चेंज कर दिया और एक दूसरे के ऊपर इसको हमने रख दिया। इसके रखने के बाद जैसे हम इसे सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे शेप हमारी बैकवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बैकवर्ड में पहुंच जाएगी। और जैसे हम बिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो बिंग टू फॉरवर्ड का मतलब ये इस शेप के ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक ऑप्शन देंगे बिंग टू फ्रंट, यानी अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के और भी शेप्स हैं और आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए एक बार में, आपको बार बार फॉरवर्ड करने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार में इसके सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ। अगर मैं सेंड टू बैकवर्ड का यूज करूंगा तो एक एक करके पीछे जाएगा और अगर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करूंगा तो एक एक करके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है सेंड टू बैक का। सेंड टू बैक ऑप्शन जैसे आप यूज करेंगे तो ये एक बार में ही शेप के पीछे चला जाएगा और ब्रिंग टू फॉरफ्रंट का अगर आप यूज करेंगे तो एक बार में ये शेप के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी शेप्स या पिक्चर्स आपने यहाँ पर ली हुई हैं वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे और जिस भी शेप को आप यहाँ पे ऑफ करेंगे वो डेटा आपका यहाँ से हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी आइज को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, अपने डेटा को शो और हाइट करा सकते हैं इसकी मदद से। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो आता है हमारा अलाइंस का। तो अलाइन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका लेफ्ट है, यानी शेप को सिलेक्ट करके दो शेप को हमने एक साथ सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन ऑप्शन पर गए और लेफ्ट हमने यूज किया। लेफ्ट का मतलब इस शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा जो शेप था वो लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। इसके अलावा मैं किसी और शेप में आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इस शेप को सिलेक्ट किया ब्लैक शेप को और हमने ब्लू शेप को सिलेक्ट किया यहाँ से शिफ्ट के साथ। अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट को दबा के रखना है और दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अलाइनमेंट का यूज करना है। जैसे आप लेफ्ट यूज करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वो लेफ्ट साइड में इसकी एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर में एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से राइट करेंगे तो राइट में एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से टॉप करेंगे तो टॉप पे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मिडिल करेंगे तो मिडिल में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बॉटम करेंगे तो नीचे की तरफ इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है।
तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के लिए आपको तो आप यहाँ पर तीन शेप चाहिए होंगी। तो सबसे पहले शेप हम यहाँ पर रखते हैं और इस तरीके से हमने तीनों शेप्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को दबा के रखना है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है आपको और अलाइन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसे वर्टिकल में रख सकते हैं और वर्टिकल में रखने के बाद शिफ्ट के साथ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी शेप्स को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अगर आप इसे वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल में आपका डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्नैप टू ग्रिड। अब ये स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम सभी शेप्स को पहले से डिलीट कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके इस एक्सेल को। एक्सेल के पेज को जूम करने के बाद यहाँ से इंसर्ट शेप में जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हम इसे अगर यहाँ पर मूव करेंगे तो इजिली ये मूवमेंट हो रहा है। अब इसके बाद हमें इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें यूज करना है अलाइन का। और अलाइन में सबसे पहला ऑप्शन यूज करेंगे हम स्नैप टू ग्रिड का। स्नैप टू ग्रिड यूज करने के बाद अब इस जब भी हम इस शेप को मूव करेंगे तो ये देखिए लाइन के अकॉर्डिंग ये अपने आप यहाँ पर चिपक रही है, यानी हम जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस साइज में एडजस्ट हो जाएगी। अब दूसरा शेप लेकर के हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एलिप्स लिया और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एलिप्स को सिलेक्ट किया और एक एलिप्स को यहाँ से ड्रॉ किया। तो जैसे हम एलिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं आप देखेंगे ये एलिप्स हमारा इस सेल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी स्नैप टू ग्रिड का मतलब यही है कि जो भी शेप जो भी रेक्टेंगल हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेल के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो स्नैप टू शेप का ऑप्शन है। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्नैप टू शेप का। एक शेप के अंदर हम लोग दूसरी शेप को एडजस्ट कर लेते हैं और शेप के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्नैप टू शेप यहाँ पर यूज हो चुका है और जैसे ही हम इसको यहाँ पर मूव कराएंगे, यानी एक शेप को अगर हम मूव करेंगे तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से फिट होता चला जा रहा है। तो शेप में आप अलाइनमेंट देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसके शेप्स को भी अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो व्यू ग्रिड लाइंस का है। तो आप चाहें तो इस ग्रिड लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे आप ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो हो रही थी, यानी जो भी सेल्स आपके शो हो रहे थे, वो यहाँ से हाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है होता है वो है ग्रुप का। तो ग्रुप का मतलब होता है दो शेप को आपस में ग्रुप करना। मान लीजिए हमने शेप के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पर जाकर के हमने इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ये दोनों शेप्स आपस में जुड़ चुकी हैं। अगर हम एक शेप को यहाँ से मूव करेंगे तो दूसरी शेप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ ही। इसके बाद अगर आप इसे अनग्रुप कर देते हैं यहाँ से, तो अनग्रुप करने के बाद आप इसे अलग अलग मूवमेंट करा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसे जाकर के वापस से रीग्रुप कर लेते हैं तो जहां पर भी आपने एडिटिंग की होगी वहीं पर ये फिर से एडजस्ट हो जाएगा, यानी फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप अनग्रुप और रीग्रुप का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप रोटेशन का यूज करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम रोटेट पर क्लिक करेंगे 90 डिग्री 80 डिग्री वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे आप चाहें तो इजीली आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी हाइट या विड्थ को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा शेप का ऑप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।